ये देखिए 1 BHK DDA का फ्लैट कितना सुंदर बना हुआ है, ये देखिए अच्छा खासा स्पेशियस है। ये सामने रसोई किचन, किचन के आगे ये लॉबी एरिया, बालकनी ये देख सकते हैं इधर के। ये नहाने की व्यवस्था, बाथ ओके, फुली फर्निश्ड है। ये है यहाँ पर 2 BHK का सैंपल, ये देखिए कितना बढ़िया है। लॉबी तो खूब अच्छी बढ़ी है, लॉबी तो मैंने देख ली बहुत अच्छी है, ये देखिए बहुत बड़ी लॉबी एरिया है। ये देखिए अब से बालकनी कह दो, लॉबी कह दो, कुछ भी कहो, और रूम देखिए कितना बड़ा रूम है। मैं बिल्कुल कॉर्नर में खड़ा हूँ, और ये देखिए बहुत बड़ा रूम है। सामने ही होगी किचन, ये है किचन, किचन भी काफ़ी बड़ी है देख सकते हैं। अब किचन के बराबर में ये आपका हो गया बालकनी, बालकनी से अंदर का कैसा दिखता है कुछ ऐसा होगा। ये देखिए ये बालकनी है, ये किचन ओके, और एक आपका इस तरह बना हुआ है सैंपल। ये आपका है फर्स्ट रूम, बेडरूम है ये 10x5 13x4। ये टॉयलेट हो गया, ये हो गया आपका मास्टर बेडरूम। अच्छा खासा रूम है, और इसमें भी एक टॉयलेट है, अभी काम चल रहा है इसमें। बहुत अच्छी बालकनी है, बहुत बड़ी बालकनी है, ये आपका मास्टर बेडरूम है। बहुत बढ़िया रूम है, बहुत बड़ा रूम है, अच्छा खासा साइज है। एक मिनट, ये बेडरूम, ये स्टील के बने हुए चौकटे, दरवाजे के चौकटे भी सब स्टील की दे रखी इन्होंने। हाँ जी मंजो, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये भौजी है थर्ड फ्लोर, यह है B307। वो सारा का सारा फर्निश्ड था, ये बगैर फर्निश्ड है, देखिए खाली है बिल्कुल, और अच्छा खासा साइज है देखिए। मुझे किचन बहुत पसंद आई, किचन बहुत बढ़िया है, ये 1 BHK है।
अप्रैल तक कह रहे हैं कि पोजीशन दे देंगे ये। बाकी में अच्छा फ्लैट है ये देखिए, बहुत ही बड़ा फ्लैट है तो एलआईजी, लेकिन वाकई में बहुत बढ़िया बना रखा है इन्होंने, अच्छा खासा साइज है। और ये है 2 BHK, ये मिलेगा कोरा बिल्कुल इस तरीके से। देखिए किचन तो वाकई बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी किचन है, साथ में एक गैलरी भी है किचन के साथ। और ये एक बेडरूम हो गया, एक हो गया, और ये आपका सेकंड बाथरूम, और ये बेडरूम ये रहा। और बालकनी तो वाकई बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा बना रखा है, बहुत ही अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा। बाकी आप लोग देखिए कैसा लगा आप लोगों को। यहाँ पर ये हो गया आपका लिफ्ट, ये भी चालू नहीं है, फंक्शनल नहीं है, बंद कर रखी है इन्होंने। और फिर ये फ्लैट हो गया, रहे अच्छा खासा बना रखा है, स्पेस तो अच्छा है। स्टूडियो का स्पेस दे रखा है, बहुत अच्छा बना रखा है, लगभग लगभग 6 फिट की तो चौड़ी सीढ़ियां होगी। ये 2 BHK रूम बहुत छोटे, बहुत ही छोटे, ज्यादा ले रहे हैं। और ये रूम इतना छोटा है, बताओ दिखाने के लिए 5 रुपया डाल दिया। हां हां, बड़ा बड़ा लगेगा। आजकल 6x6 से बड़ा 6x6.5 कर रहे हैं। Thank you.
उसे रूम खाला मैंने तो ये है यहाँ का EWS फ्लैट, साइज मैंने आपको दिखाई दिए। जितना प्राइस उसके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा छोटा फ्लैट है, 35 लाख रुपए का फ्लैट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है मुझे ये। अब जरा टाइल्स से नापते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यानी कि 11x8 फुट का तो ये रूम है। ठीक है, ये टॉयलेट हो गया, ये बाथरूम हो गया आपका, और ये रूम हो गया आपका। लिफ्ट के लिए तो प्रोविजन बना रहा है यहाँ पे ये, और सीढ़ियाँ भी आप देख रहे हो कितनी चौड़ी हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही। लिफ्ट ये रही सामने, जब ये चालू हो जाएंगी तो चार चार लिफ्ट हैं यहाँ पे एक ब्लॉक के अंदर, और जगह भी खुली है। खैर फ्लैट तो हवादार हैं, लेकिन साइज़ वाकई बहुत छोटा है। ये सामने MIG और LIG के ब्लॉक हैं, देखें आप सामने देख सकते हैं बिल्डिंग। इन सब बिल्डिंग्स में LIG और MIG हैं, और यहाँ पर सारे के सारे EWS के 1BHK, लेकिन बहुत ही छोटे हैं, बहुत छोटे। हर एक को रूम को देखने का ना पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये रूम बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे। साइज़ इनका 8x10.5, कुछ ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है इन EWS के फ्लैट्स का।
बल्कि एक बार को LIG फ्लैट आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उनके प्राइस भी फिर हाई हैं बहुत ज़्यादा। ये सारे के सारे EWS के फ्लैट हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सैंपल फ्लैट। यहाँ पर भी लिफ्ट है। अच्छा, लिफ्ट का काम चल रहा है अभी। यहाँ भी लिफ्ट है। सैंपल फ्लैट, ओके। EWS सैंपल फ्लैट है, ओके। G101, ओके। रूम कुछ छोटे ही, ओके। बहुत छोटा है। ये मामला यहाँ अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे, देखिए।